आइकम नाजरीन, वेलकम टू द मलिक्स किचन वंस अगेन। खाने के बाद अक्सर मीठा खाने को दिल करता है। आज हम जो आपको डिश बनाने सिखा रहे हैं वो हर उम्र के इंसानों में पसंद की जाती है। ये डिश लज्जत और गजाइयत और अपनी जायके में मुनफरद है। इसका नाम है ब्रेड पुडिंग। नाजरीन, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, डिश को लाइक कीजिए और लिंक को अपने फैमिली फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कीजिए। तो आइए चलते हैं ब्रेड पुडिंग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको ब्रेड पुडिंग बनाना सिखाने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस, जिनके मैंने ऑलरेडी किनारे काट लिए हुए हैं। ये मैंने जो है वो 4 अदद लिए हैं। इसके अलावा हमें चाहिए क्रीम, जो कि 2 टेबल स्पून है। इसके अलावा हमने लिए हैं अंडे, जो कि 3 अदद हैं। इसके अलावा हमारे पास किशमिश है, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है। ये चीनी है, ये 6 टेबल स्पून है। बटर है और ये दूध है, ये तकरीबन 2 कप है। इसके अलावा हमें चाहिए वनीला एसेंस। तो चलिए चलते हैं तैयारी की तरफ। तो नाज़रीन, हम सबसे पहले जो है इन ब्रेड के स्लाइसेस पे जो है बटर लगा लेंगे, दोनों साइड्स पे लगाएंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये मैंने दोनों साइड्स पे लगाए हुए हैं। इसको मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था। देखिए, इस तरह से हम जो है इनकी दोनों साइड्स पे जो है वो बटर लगा लेंगे। बटर लगाने के बाद हम इन ब्रेड स्लाइसेस को जो है क्यूब्स में काट लेंगे। और बहुत एहतियात से काटेंगे कि ये टूटे ना। अब भी हम इनको अब साइड पर रखते हैं और अब हम जो है वो इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हम इसमें बोल में जो है सबसे पहले हम अंडे शामिल करेंगे। और अब हम इसमें जो हमने चीनी रखी हुई थी इसको शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से जो है हम बीट कर लेंगे। अब हम इसमें ये जो हमने दूध लिया था इसको शामिल करेंगे। इसके अलावा ये जो हमने क्रीम ली थी इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और वनीला एसेंस जो है वो हम डालेंगे 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 1 टीस्पून भी शामिल कर सकते हैं।
अब हम इसको बीट कर देंगे। इसको हम इतना बीट करेंगे कि सब चीजें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब हम एक और डिश को लेंगे जिसमें हम इसको जो है बेक करेंगे। इस डिश में हम सबसे पहले जो है इसको बटर से जो है ग्रीस कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से बटर से हम ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद अब हम ये जो हमने स्लाइसेस के क्यूब्स काटे थे बटर लगा के, इनको इस डिश में अरेंज करेंगे। अब देखिए हमने सारे ब्रेड स्लाइसेस को जो है वो डिश में लगा लिया है अच्छी तरह से। अब हम इसके ऊपर जो हमने ये किशमिश ली थी इसको फैला देंगे। आप चाहें तो आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ऐड कर लें, वैसे तो अदरवाइज इसमें जो है वो किशमिश ही होती है। किशमिश ऐड करने के बाद जो हमने ये जो बैटर रेडी किया था, इसका जो मिक्सचर हमने बनाया है, इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा बटर हम इसके किनारों में डाल देंगे। और अब हम इस डिश को जो है ओवन में रखेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी जो है वो प्री हीट किया हुआ है। तो व्यूअर्स, अब हम जो है अपनी इस प्रिपेयर डिश को जो है वो इसमें ओवन में रख देंगे, जो कि मैंने 350 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे जो है ऑलरेडी जो है वो प्री हीट किया हुआ है। और इसको हम 30-40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे कि जब तक ये ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाए। व्यूअर्स देखें, अब 40 मिनट्स हो गए हैं और हमारी पुडिंग जो है वो रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रेडी हो गई है ये। अब हम इसको सर्व करेंगे। व्यूअर्स देखिए, हमारी मज़ेदार सी ब्रेड पुडिंग जो है वो रेडी हो गई है। ये खाने में भी बहुत मज़े की है। मैं आपको इसका एक स्लाइस निकाल के दिखाती हूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े की होती है, बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह से हम एग पुडिंग बनाते हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा आया है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो फीडबैक दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।